लिच्छवी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों का संचालन रहेगा प्रभावित। लगातार रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुविधाओं के लिए प्रयास करता रहता है। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं परिचालन सुगमता हेतु पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के वाराणसी सिटी सारनाथ रेलखंड के मध्य स्थित संपार संख्या 23 पर सड़क ऊपर गामी पुल के लिए गार्डर लगाए जाने के लिए ब्लॉक दिए जाने के कारण गाड़ियों का पुनर्निर्धारण किया गया है। इसमें छपरा होकर चलाने वाली लिच्छवी ट्रेन 120 मिनट पुनर्निर्धारण करके चलाई जाएगी। यह जानकारी जनसंपर्क पदाधिकारी अशोक कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दिया है। अपने निर्धारित समय के बाद पुनः ट्रेन का संचालन पूर्वता समय से हो सकेगा। इस दौरान लिच्छवी एक्सप्रेस के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब आपको ये बता दें पुनर्निर्धारण की गई ट्रेनों की सूची क्या है। 14005 सीतामढ़ी आनंद विहार टर्मिनस लिच्छवी एक्सप्रेस को 27 अक्टूबर 2023 को सीतामढ़ी से 120 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाया जाएगा। आपको बता दें इसका मतलब यह है पुनर्निर्धारित का कि जो पहले से निर्धारित ट्रेन थी, जो पहले से उनका समय फिक्स था, उसी समय से वो चलाई जाएंगी। जी हाँ, 15129 गोरखपुर वाराणसी सिटी एक्सप्रेस 25 एवं 27 अक्टूबर 2023 को गोरखपुर से 60 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जाएगी। जो इसका समय पहले से निर्धारित किया गया था, जो समय पहले से इसका फिक्स किया गया था, जो तय किया गया था टर्म समय, उसी समय से चलाई जाएगी। आपको इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। जी हाँ, लिच्छवी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों का संचालन रहेगा प्रभावित। पूर्वोत्तर रेलवे ने गार्डर लॉन्चिंग को लेकर किया है निर्णय। समय से 120 मिनट पीछे चलाई जाएंगी ट्रेनें। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं परिचालन की सुगमता है तो पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के वाराणसी सिटी सारनाथ रेलखंड के मध्य स्थित संपार संख्या 23A पर सड़क ऊपरगामी पुल के लिए गार्डर लगाए जाने के लिए ब्लॉक दिए जाने के कारण गाड़ियों का पुनर्निर्धारण किया गया है, जिसमें छपरा होकर चलाने वाली गाड़ी, जी हाँ, एक ट्रेन 120 मिनट पुनर्निर्धारित करके चलाई जाएगी। यह जानकारी जनसंपर्क पदाधिकारी अशोक कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी किया है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।